नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए संसद में आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। डीएनए प्रोफाइलिंग से जुड़ा विधेयक आज राज्यसभा में होगा पेश। अपराध के समाधान और गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान में मिलेगी मदद। पारित कराने पर सरकार का जोर। सरकार का शैक्षणिक सुधारों पर जोर। राज्यसभा के एजेंडे में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक पर भी होगा विचार। मानव तस्करों के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाले विधेयक पर आज राज्यसभा में होगा विचार। राष्ट्रीय मानव तस्करी रोधी ब्यूरो के गठन का प्रावधान। पीड़ित महिलाओं और बच्चों का होगा पुनर्वास। लोकसभा में आज राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक। मणिपुर में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह करेंगे पारित कराने का प्रस्ताव। संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का आज दूसरा दिन है। दोनों सदनों के एजेंडे में आज भी कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं। राज्यसभा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 समेत चार विधेयकों पर विचार होना है। साथ ही डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियम विधेयक 2018 सदन में पेश किया जाएगा। वहीं लोकसभा में भी आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होना है। इनमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2018, वाणिज्यिक न्यायालय उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 और संविधान 123वां संशोधन विधेयक शामिल है। वहीं वित्त मंत्री पीयूष गोयल दोनों सदनों में 2018-19 के अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण भी सभा पटल पर रखेंगे। और आइए सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन का। अखिलेश जी, कल हमने देखा सदन की कार्यवाही में अवरोध बना रहा। आज के कामकाज की बात करें तो आज राज्यसभा में कई अहम बिल लिस्टेड हैं और खासतौर से सरकार का शैक्षणिक सुधारों पर जोर दिख रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विधेयक और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक भी शामिल है। बिल्कुल, इसके अलावा दो अन्य जो विधेयक है आपने कहा डीएनए प्रोफाइलिंग का, यह काफी महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक में हो सकता है सदस्यों की तरफ से काफ़ी बहस की भी मांग की जाए, क्योंकि यह जिस तरह से आप देखते हैं कि आधार के मामले में कई तरह के तर्क वितर्क हुए, डीएनए प्रोफाइलिंग के मामले में भी कई तरह के तर्क वितर्क हो सकते हैं। तो अगर ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो ये काफ़ी रोचक बिल होगा और जैसा कि आप जानती हैं कि इंट्रोडक्शन के लिए बहस की ज़रूरत होती है तो ये काफ़ी रोचक बहस इस पर देखने को मिल सकता है हमको। और इसके अलावा एक मेनका गांधी जो बिल रखने वाली हैं वो खास तौर पे वीमेन और चिल्ड्रन के ट्रैफिकिंग के मामले में बिल रखना चाहती हैं। हाँ। जो लोकसभा से पारित है और जो खास तौर पे वीमेन और चिल्ड्रन जिनको कि अवैध रूप से यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है, उसके किस तरह से उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए और किस तरह से उनके गलत धंधे में न फंसने दिया जाए, वैसे लोगों द्वारा न उनकी प्रताड़ना हो जो कि गलत धंधे करते हैं, तो यह एक बहुत अहम बिल है जो मेनका गांधी आज पेश करेंगी, इसको पारित करने की भी बात है। तो ये जो अहम मुद्दे हैं, इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नकाल भी काफ़ी अहम होता है, लेकिन जो कल से लग रहा है प्रीति कि कल से जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के मामले पे जो अवरोध उत्पन्न हुआ है, आज भी अभी थोड़ी देर में तृणमूल कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। उसके अलावा तेलुगु देशम के लोग भी अभी अपने राज्य की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। उसके अलावा अभी सुबह राहुल गांधी के घर पर कांग्रेस सांसदों की बैठक हो रही है, वे इस रणनीति पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह लोकसभा में भी इस मामले को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के मामले को उठाया जा सके। और चौथी बात यह है कि ममता बनर्जी अभी शहर में है और वो कई विपक्षी दलों से मिल रही हैं। उनकी संभावना ये भी है कि जो डिप्टी चेयरमैन का चुनाव राज्यसभा में भी अभी लंबित है, उस मामले पे विचार हो। तो आज का दिन काफी गर्मा गर्म रहेगा राजनीतिक तौर पर प्रीति, और ऐसे में अब देखना काफी रोचक होगा कि राज्यसभा की कार्यवाही किस तरीके से सफलपूर्वक आज संचालित होती है। बिल्कुल, इस पर सबकी नजर रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए लिस्टेड कामकाज की डिटेल में बात करते हैं। राज्यसभा में आज डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2018 पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन इसे पेश करेंगे। विधेयक का मकसद न्यायिक प्रणाली को समर्थन देने और सुदृढ़ बनाने के लिए डीएनए आधारित फॉरेंसिक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को विस्तारित करना है। बिल का उद्देश्य अपराध की जांच, मानव तस्करी रोकना, गुमशुदा लोगों की तलाश और लावारिस लाशों की पहचान में तेजी लाना है।
विधेयक में इसका भी ध्यान रखा गया है कि डीएनए परीक्षण परिणाम भरोसेमंद हों और नागरिकों की गोपनीयता अधिकारों के लिहाज से डाटा का दुरुपयोग ना हो सके। इसके अलावा राज्यसभा में आज राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर आगे की चर्चा होगी। 26 जुलाई को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इसे विचार और पारित कराने के लिए उन्होंने पेश किया था। विधेयक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक से बीएड, डीएड, एमएड और कई दूसरे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं थी। संशोधन विधेयक के तहत 20 केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इस संशोधन से इन संस्थानों में पढ़ रहे या यहां से पहले ही उत्तीर्ण हो चुके छात्र शिक्षक के रूप में रोजगार पाने के पात्र हो सकेंगे। राज्यसभा में आज निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का और संशोधन किया जाना है। साथ ही राज्यसभा में आज द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज अमेंडमेंट बिल 2018 पर भी आगे की चर्चा होनी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए से संबंधित 1999 के कानून में और संशोधन किया जाना है। राज्यसभा में आज व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 पर आज राज्यसभा में विचार होगा। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी विधेयक पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक में तस्करी से जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी रोधी ब्यूरो के गठन का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में राज्य सरकार की ओर से स्टेट लेवल पर एक नोडल ऑफिसर तैनात करने और जिला स्तर पर एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स के गठन का प्रावधान है। विधेयक को लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा लोकसभा में भी आज कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2018 पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक पर भी लोकसभा में विचार होगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में आज राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 पर भी चर्चा होगी। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके तहत मणिपुर में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। दोनों सदनों में आज कई अहम मंत्रालयों और विभागों से संबंधित पत्र भी पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। श्रीपद येसो नाइक आयुष मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राजकुमार सिंह विद्युत मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राधाकृष्ण पी वित्त मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। शिव प्रताप शुक्ला वित्त मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। पीपी चौधरी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। प्रेमचंद गुप्ता और विजयपाल सिंह तोमर रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2016-17 की सिफारिशों के बारे में बयान देंगे। लोकसभा में भी आज कई मंत्रालयों और विभागों से संबंधित पत्र पेश किए जाएंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राव इंद्रजीत सिंह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। हरदीप सिंह पुरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे।
हंसराज गंगाराम अहीर गृह मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। कृष्णपाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। शिव प्रताप शुक्ला वित्त मंत्रालय के लिए पत्र लोकसभा के पटल पर रखेंगे। साथ ही किरेन रिजिजू गृह मंत्रालय के लिए पत्र लोकसभा के पटल पर रखेंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, संबंधित मंत्रालय के मंत्री इसका जवाब देंगे। एक नजर राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों पर। संसद में प्रश्नकाल की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद महेश पोद्दार पूछेंगे कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार देश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सकों की संख्या काफी कम है। सांसद रीता प्रताप बनर्जी का सवाल वित्त मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि क्या पिछले एक साल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनर्जक आस्तियों में काफी वृद्धि हुई है। सांसद संजय सिंह का सवाल वित्त मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि क्या सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की महत्वपूर्ण बिक्री करने पर विचार रखती है। सांसद वी विजय साई रेड्डी का सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि क्या फार्मेसी स्नातकों को 6 वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता है और उनका अधिकांश समय अस्पतालों में व्यतीत होता है। सांसद एन गोकुल कृष्णन का सवाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि क्या आयातित मॉड्यूलों की लागत में वृद्धि के भय से उत्पन्न अल्पकालीन ठहराव के पश्चात सौर विकासक कंपनियों ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक आक्रामकता पुनः ग्रहण कर ली है। इसके अलावा सदन में परमाणु ऊर्जा, कोयला, रक्षा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, विदेश, विधि और न्याय, अल्पसंख्यक कार्य, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।